नमस्कार दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में आए दिन दबंगों का जंगल राज सामने नजर आ रहा है। जी हां, दबंगों की दबंगई मानवता को हर दिन शर्मसार कर रही है। जहां मोदी सरकार देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाल ही में जिला शामली के गांव नाई नगला नवीन में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दबंगों ने मिलकर एक परिवार पर हमला किया, जिसमें पीड़ित परिवार के कई लोग गंभीर रूप से इतने जख्मी हो गए, इतने घायल हो गए कि उनको जिला मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में रेफर करना पड़ा। एक उसका लड़का है इसरार, एक अबरार है, एक लड़का और है उसका, और उन्हें जो है हम भी बाहर गए हुए थे हमारे बच्चों को आने के। एक तो गंडासी है उनके हाथ में, उसने मार पिटाई करी हमारी चाची का, तीन जगह गंडासी मार रखी, एक लाठी है उसके सिर में, दो लाठी मेरे पिताजी का मार रखी, और एक भाई बेहोश है मेरा, उसके बहुत ज़्यादा गुम चोट दे रखी उन्हें, और मकान पर चढ़ के ऊपर दो मकान क्रॉस करके जब हमारा तीसरा मकान पड़ता है, जब जाकर उन्हें वहाँ आके मार पिटाई करी और ऊपर से ईंट बरसाई। आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं सर, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इन्हें। हमारा इसमें गांव में कोई नहीं है, ये एक शौकीन प्रधान है जो है ना, सारा बवाल शौकीन का ही करा है, ये पार्टी बेस पर शौकीन ने करा रखा। हमारे गैल जो है, हम इस बस्ती में इधर पट्टी में पूरी में चार घर हैं हमारे, और चार घर होने के बावजूद इनकी पूरी पट्टी है। सर मैं बाहर गया था, इतने मेरे पापा जैसे फ़ोन करा इन्हें, मैंने जो आन कर देखा तो मेरे घर के सारे, मेरे चाचा, मेरे भाई, माँ और मेरी एक बहन है, एक चाची है, मैं बस काट के रखे थे। कितने सदस्य टोटल कटे हैं आप? तो हमारे सदस्य पांच हैं। नल के पास जी, उसके पैर में हंसी लग रही है। हम फिर भाग गए, छुरी चाकू ले आए यार, गाली बहुत बुरी दे, हम अंदर बढ़ गए भाग के। किस किस का चोट मारी है इन्होंने आपके परिवार में से? एक तो जी मेरा आदमी का मार रखी है मोनिश का। अच्छा, कहाँ लग रही चोट? जी वह तो मेरे से पहले चली गई थी। अच्छा, और मेरे सास का मार रखी। अच्छा जी, ना सजा मिलनी चाहूँ। जी हाँ, पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव के पूर्व प्रधान शौकीन के इशारे पर दबंगों द्वारा हमला किया गया है। यहां तक कि हमारी महिलाओं को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। नए नगला नवीन में बढ़ता अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आएगा कि जनता का पुलिस प्रशासन और इस सरकार से, यानी अखिलेश सरकार से विश्वास उठ जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जी हां, बीसीआर न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ मुशर्रफ राणा की रिपोर्ट।